प्रोजेक्ट ब्लेज 3.8 का न्यू अपडेट आया हुआ है, और ये जो है ईओएल बिल्ड है ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 का। इसका लास्ट रिव्यू 3.6 का किया था और अभी जो है 3.8 का देखने को मिला है, और मी 11X एंड पोको F3 के लिए है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में सिर्फ हम यहाँ पे बात करेंगे। पिछला रिव्यू आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे चेंजेस मिलने वाले हैं। प्रोजेक्ट ब्लेज 3.8 ईओएल ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच सितंबर 2024 का है। कर्नल यहाँ पे चेंज हुआ है, ब्लू कर्नल मिलता है, लास्ट बिल्ड पे पर्फ वाला था। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसके क्यूएस पैनल के बारे में तो काफ़ी स्मूद है, और 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ कर रहा हूँ तो क्यूएस पैनल आपको बिल्कुल स्मूद मिलने वाला है। टाइल्स में यहाँ पे FPS इन्फो का टाइल मिल जाता है न्यू, और बाकी के सेम रहेंगे। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको लाइट लैग मिलेगा थोड़ा बहुत रहता है। एंड वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड होता है पहले की तरह। ऐप ओपनिंग एनिमेशन ये भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल स्मूद मिलने वाला है, कोई लैग नहीं मिलता यहाँ पे। और मैं 60 हर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ, 120 हर्ट्ज़ पे और स्मूद रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरे को लेकर के, तो कैमरा यहाँ पे लाइका का मिलता है, बट यहाँ पे जो है डाउनग्रेड एक तरीके से हुआ है। हालांकि 8K का रिकॉर्डिंग सेलेक्ट मत करना, 4K 60fps तक सिर्फ काम करेगा। और वर्जन की अगर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 4.9 है, लास्ट बिल्ड पे 5.0 था, ये डाउनग्रेड कैमरा का हुआ है वर्जन। और GKM यूज़ कर पाओगे अच्छे से, डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल वर्किंग है। DRM इन्फो में आपको जो है वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है, और गेम स्पेस पहले की तरह रहेगा, बिल्कुल सेम सेटिंग्स है। एंड ओके गूगल इसका यूज़ आप कर पाओगे। कर्नल ASU का सपोर्ट इस बार मिलने वाला, लास्ट बिल पे नहीं था बट अभी इस अपडेट में आपको मिलेगा। एंड गैलरी में गूगल फोटो में आपको लिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे। एंड प्ले स्टोर भी इस बार जो है नॉट सर्टिफाइड है, लास्ट अपडेट पे सर्टिफाइड था बट इस बार नॉट सर्टिफाइड है। तो सर्टिफाइड कैसे करना उसका वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वीडियो मैं बना रखा हूँ जो कि पुराना, तो वो आपको मिल जाएगा। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सेटिंग सेम है। एंड वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। लॉकसिंग के अंदर भी यहाँ पर कहीं पर चेंज हमें नहीं मिलता, और लॉन्चर आपको इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर मिलने वाला है। अब बात करें तो कॉलिंग को लेकर के, तो कैरियर वीडियो कॉल का बग है, वाईफाई कॉलिंग अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी जो है अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है, और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो तो बिल्कुल यूज़ कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम उस पर आपको नहीं मिलता है। एंड बैटरी की बात करें 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 90% मिला है, लास्ट अपडेट पर 92% बैटरी था, तो ज़्यादा उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा उसे तो। बाकी अगर चार्जिंग को लेके बात करें तो 83% चार्ज करने में 1 आवर 24 मिनट का टाइम इसके अंदर में लगा है। और बैटरी ड्रेन अगर हम देखें तो 90% था नाइट में, एंड मॉर्निंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग में 88% देखने को मिला। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो नॉर्मल ही जो है बैटरी हमें यहाँ इसके अंदर बैटरी रेंज जो है देखने को मिला है। अब बात करें एंटूटू स्कोर के बारे में तो 8,78,000 इस बार मिला है, लास्ट अपडेट में भी 8,78,000 ही था, तो पहले की तरह स्कोर है। CPU थ्रोटल इस बार 95% मिला, और इसका जीप स्कोर मैक्स पे 2,34,000 है, एवरेज स्कोर 2,27,000 है। लास्ट बिल्ड का हमारा CPU थ्रोटल 92% था, और उसका जीप स्कोर मैक्स पे 2,45,000 था, एवरेज स्कोर 2,36,000, तो ये भी पहले की तरह ही है। और Geekbench 6 का अगर देखें इस बार सिंगल स्कोर तो 1292 है, मल्टी स्कोर 3324 है, लास्ट बिल्ड का सिंगल स्कोर 1304 है, और मल्टी स्कोर 3431 है। तो ये भी अगर देखोगे तो पहले की तरह सभी स्कोर यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सेटिंग में यहाँ पे ब्लेज हाउस में जाते हैं तो इसके अंदर थीम्स के अंदर में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। स्टेटस बार ये भी बिल्कुल सेम सेटिंग्स के साथ आता है, इस बार कोई चेंज नहीं हुआ है। QS पैनल के अंदर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉकसिन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो चलते हैं सिस्टम में, सिस्टम में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल टैप जो स्लीप आता है स्टेटस बार, लॉकसिन का सेम था, एक ही सेटिंग थी सिर्फ, लेकिन अभी सेपरेट दोनों को देखने को मिल रहा है, अलग अलग कर दिया गया है। और नीचे फिर आओगे तो यहाँ पे भी आपको स्पूफ प्ले इंटीग्रिटी ये भी जो है इसके अंदर में न्यू ऐड किया गया था। ये दो चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हॉटस्पॉट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको AP बैंड मिल जाएगा, इंस्टेंट हॉटस्पॉट मिल जाएगा, हिडन नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस, और एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी जो था उसको फिलहाल रिमूव किया गया है यहाँ से। तो ये कुछ चेंजेस आपको हॉटस्पॉट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और फिलहाल यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है। कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कास्ट वर्किंग रहेगा।
डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सेम ही सेटिंग्स है। रिफ्रेश रेट आपका यहाँ पे मिल जाता है पीक एंड मिनिमम का। बाकी यहाँ पे लास्ट में जरूर डीसी डिमिंग और हाई ब्राइटनेस मोड, पहले कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर थे, फोल्डर यहाँ पे था उसके अंदर थे, अब बिल्कुल ओपन बाहर आपको मिल रहे हैं, वो फोल्डर हटा दिया गया है। और साउंड एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे भी वैसे जो है ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है, तो ये भी जो है सेम सेटिंग्स के साथ में आता है। एमआई साउंड है जो कि काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। बैटरी के अंदर थर्मल प्रोफाइल पहले यहाँ पे था बैटरी के अंदर, बट अभी जो है मूव कर दिया गया उसको सिस्टम के अंदर में यहाँ से। बाकी और कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऐप्स के अंदर जाओगे यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, क्लोन्ड ऐप है, गेम स्पेस है, तो ये सब रहेगा। सिक्योरिटी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी सेटिंग्स के मामले में कोई चेंज नहीं है, और फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे तरीके से काम करें तो दोनों का रिस्पॉन्स जो है आपको अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे, चाहे फिर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करो या फिर फेस अनलॉक यूज़ करो, दोनों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मोर सिक्योरिटी में भी जाओगे तो सेटिंग सेम है। बाकी रोम ये जो है इनक्रिप्टेड आता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट इसको मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। और सिस्टम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे फिर जेस्चर की सेटिंग्स है, इसके अंदर नेविगेशन मोड हमारा है जिसमें यहाँ पे फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर में भी, बाहर भी बिल्कुल सेम ही है। और बाहर यहाँ पे बिल्कुल बाहर आते हो सिस्टम में तो थर्मल प्रोफाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है अब मूव कर दिया गया, पहले बैटरी के अंदर था, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ चेंज आपको न्यू देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं यहाँ पे गेम की तरफ, तो गेम स्पेस में जो है यहाँ पे सेम सेटिंग्स ही इंटरफेस जो है सेम मिलता है। ग्राफिक जो हमारा बीजमाई का है सेम ही रहने वाला, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्लस पे हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। और एक चीज़ को लेके आपको ज़रूर बता दूँ, आप देखोगे लेफ्ट साइड जो इसका टाइल्स में जो FPS इन्फो मिलता है वो इनेबल है, राइट साइड में गेम स्पेस पे जो आता है, बट गेम स्पेस वाला स्टक कर जाता है, बार बार रुकता है, फ्रीज हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो जो है बिल्कुल एक ही जगह फ्रीज हुआ पड़ा है, बट एक्चुअल जो गेम में अभी FPS कितना आ रहा है और आपको लेफ्ट साइड वाले में रियल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है गेम स्पेस वाला यूज़ ना करके टाइल वाला यूज़ करना, वो बिल्कुल अच्छे से FPS इन्फो वर्क करेगा, उस पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गेमिंग को लेके अगर बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, थोड़ा बहुत मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पहले के मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पहले भी गेमिंग आपकी अच्छी थी इसके अंदर में, और अभी भी अगर बात करें तो गेमिंग अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में ही आता है, तो ख़राब आपको परफॉर्मेंस इसके अंदर नहीं मिलने वाला। और जो बैटरी है वो भी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिला, 2% का फ़र्क था, बट ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और एनिमेशन ये चीज़ जो है आपका थोड़ा इम्प्रूव और भी हुआ है पहले से, खासकर 60 हर्ट्ज़ के अंदर में एनिमेशन अब आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होने वाला है। खासकर रोम जब फ्लश कर देना तो कम से कम 5 से 6 घंटे का हमेशा रोम में टाइम दे दिया करो सेटल होने के लिए, ताकि जब सेटल हो जाए तो एक्चुअल आपको उस रोम की परफॉर्मेंस या फिर बैटरी है और या फिर अगर बात करें उसके एनिमेशन के बारे में तो आपको एक्चुअल में फील होगा उस टाइम पर, तो थोड़ा सेटल होने के लिए टाइम हमेशा दे दिया करो हमको जब भी आप फ्लश करो। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि फिलहाल हमें इसके अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं आता है कि नहीं आता, क्योंकि ईवल बिल्ड है ये एंड ऑफ लाइफ, तो शायद तक आप अपडेट ना आए शायद तक, या आगे एंड्रॉइड 15 ही डायरेक्ट देखने को मिले, तो देखते हैं जो भी होगा। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।